देखिए टी जो है एक थिएसी फैमिली का प्लांट है, हर्ब है, जिसमें बहुत सारे केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स पाए जाते हैं, लेकिन कैफीन जो है वो इसमें जो कि एक एल्कलॉइड है उसकी मात्रा बहुत ही ज़्यादा होती है, जो हमारे बॉडी के ऊपर बहुत सारे तरह के थेरेप्यूटिक एक्शन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। और ये जो है फिजियोलॉजिकली एक्टिव सब्सटेंस होता है, इसलिए इसका आइसोलेशन जो है वो हम टी से करते हैं, और फिर जो है आइसोलेशन करने के बाद उसका प्योरीफिकेशन करके और फिर फर्दर प्रोसेस के जरिए हम डिफरेंट डिफरेंट केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स को अलग करके और फिर यूज करते हैं एज अ ड्रग, और जो कि हमारे बॉडी के ऊपर डिफरेंट डिफरेंट थेरेप्यूटिक इफेक्ट्स को करते हैं। इसमें मौजूद जो भी केमिकल कंस्टिट्यूएंट्स है वो मेनली हमारे नर्वस सिस्टम के ऊपर अफेक्ट्स को करते हैं, और हमारे बॉडी को रिलैक्स करने के लिए और दूसरे फंक्शन को रेगुलेट करने के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं। आज हम लोग फार्माकोग्नोसी के लैब में आए हैं, जो कि हम लोग प्रैक्टिकल करने वाले हैं, और हम लोग ये हमारा एम है टू डिटरमाइन द आइसोलेशन ऑफ कैफीन फ्रॉम टी, मतलब कि हम लोग टी का जो है हम लोग लिए यहाँ पे टी 10 ग्राम ऑफ टी, जिससे हम लोग इसमें से कैफीन को आइसोलेट करेंगे बाय द बॉइलिंग मेथड के जरिए। इसके लिए हमें रिक्वायरमेंट पड़ी है 100 ग्राम ऑफ डिस्टिल वाटर, जिसको हम लोग इसमें बॉइल कर रहे हैं। उसके बाद हम लोग को रिक्वायरमेंट पड़ी है नाइट्रिक एसिड के, इसके प्रेजेंस में हम लोग उसको आइसोलेट करेंगे कैफीन को टी के अंदर से। प्रोसीजर है हमारा, टेक ए बीकर 100 ml ऑफ वाटर एंड बॉइल इट अबाउट 4 ग्राम ऑफ सोडियम कार्बोनेट आर एडेड। हम लोग इसमें 100 ml जो वाटर है वो बॉइल करके ले लिए हैं, साथ में इसमें 4 ग्राम जो है सोडियम कार्बोनेट उसको ऐड करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम इसको वेइंग करेंगे, ये 4 ग्राम हमारा हो गया है सोडियम कार्बोनेट, जिसको हम लोग इस बॉइल में ऐड करने वाले हैं। कटो सर, इसमें ऐड कर दिया हम 4 ग्राम ऑफ में हम लोग जो हमारा बॉइल्ड वाटर है डिस्टिल वाटर 100 ml, उसमें हम लोग 100 ग्राम ऑफ टी जो है उसको ऐड कर दिए। इसके बाद इसको हम 10 से 15 मिनट तक स्लो रीहीटिंग देंगे, जिससे ये हमारा 100 ml बॉइल्ड वाटर जिसमें हम लोग सोडियम कार्बोनेट को ऐड कर दिए थे। इसके बाद हम लोग इसमें 10 ग्राम ऑफ टी है उसको ऐड कर दिए। इसके बाद हम लोग इसको 10 से लेकर 15 मिनट तक इसको हम लोग बॉइल करेंगे, वो भी हल्का रेट पे, हल्का हीटिंग पे। आइए देखते हैं क्या होता है रिएक्शन हमारा। देखिए जैसे कि हमने जो टी था उसको बॉयल कर लिया है, और बॉयल करने के बाद जो है हमको क्या करना है कि इसको फिल्टर करना है, फिल्टर पेपर के थ्रू जो है फिल्टर कर लेना है, और फिल्टर करने के बाद उस जो फिल्ट्रेट हमको मिलेगा उसको एक सेपरेटिंग फनल में पोर करके स्टोर कर लेना है, और उस सेपरेटिंग फनल के अंदर हमको डाइक्लोरोमेथेन जो है उसको ऐड करना है, डाइक्लोरोमेथेन का सोल्यूशन बना करके ऐड कर देना उसमें। वो क्या करेगा, उसको ट्रीट करेगा, जो सोल्यूशन है उसको ट्रीट करेगा। ट्रीट करने के बाद जब हम सेपरेटिंग फनल के अंदर इसको पोर कर लेंगे तो सेपरेटिंग फनल को क्लोज करके और फिर क्या करेंगे, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे 10 टू 15 मिनट के लिए, उसको अच्छे से मिक्स करेंगे, और मिक्स करने के बाद उसको साइड में रख देंगे फॉर द सेटल डाउन। सेटल डाउन होने के लिए हम साइड में रख देंगे, और जैसे ही वो सेटल डाउन हो जाएगा जो एल्कलॉइड है वो सेपरेटिंग फनल में नीचे की ओर जो है वो सेटल हो जाएगा, और जब एल्कलॉइड नीचे की ओर सेटल हो जाएगा तो फिर हम क्या करेंगे, उस एक्सट्रैक्ट को आउट कर लेंगे सेपरेटिंग फनल से, और एक्सट्रैक्ट को आउट करके और फिर उसको हम क्या करेंगे, ड्राई कर लेंगे। तब जा करके जो कैफीन है, जो टी में मौजूद कैफीन है वो क्या होगा, हमको ऑब्टेन हो जाएगा, और फिर हम उसको आगे फर्दर प्योरीफिकेशन प्रोसेस कर सकते हैं।